लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गाड़ी गैराज में लगा। जी साहब। 9:40 को गाड़ी वापस। ए राइटर। कौन? गाड़ी अंदर लगा। जी साहब। 9:40 पे गाड़ी वापस। गाड़ी 80 मील चली। माधव। हाँ। हाँ क्या? नहीं। जी साहब। जी जी। हाँ। तो मैसेज है मेरा? हाँ। बड़ा साहब का फोन आया था। फिर हाँ? जी। पहला फोन आया था 7:17 पर, दूसरा 8:09:03 पर। ये तो मैसेज नोट करते हो या हिस्ट्री नोट करते हो? पूरा चार्जशीट कंप्लीट करता हूँ साहब। चार्जशीट? लगता है तुम्हें पुलिस में भर्ती करवाना पड़े। माय गॉड। बाथरूम का दरवाजा बंद। आगे इस परफेक्ट यूनिट। अरे क्या करते हो? छोड़ो मुझे। ओहो। छोड़ो। ये रस्सी किसने बांधी? डार्लिंग तुमको तो मालूम है कि मैं इस इंश्योरेंस कंपनी में प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। ये रस्सी तुमको गिराने के लिए नहीं बांधी थी, बल्कि एक बोगस क्लाइंट को पकड़ने की तरकीब सोच रहा था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि रस्सी डबल काम दिखाएगी। क्या मतलब? देखा नहीं, एक ही झटके में दोनों को गले से मिला दिया। यू शट अप, उठाओ हमारी कुर्सी से। डार्लिंग तुम गुस्से का गरम है, हम तबीयत का नरम है। अरे हम तो तुमको दिल में बिठा सकता है और तुम कुर्सी पे नहीं बिठा सकता। बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। रस्सी किसने बांधी है? जी वो कम इनसाइड। डार्लिंग रस्सी खोल दो वरना कोई तीसरा भी लुढ़क जाएगा। ये क्या हरकत थी? जी वो बोगस क्लाइंट को पकड़ने की तरकीब सोच रहा था, इसलिए रस्सी बांधी थी। देखो मिस्टर जो,
आंटा दफ्तर में कभी ऐसी हरकत की तो याद रखो छुट्टी हो जाएगी। जी। तुम्हारा ध्यान आजकल लड़कियों में बहुत लगा रहता है, काम में नहीं। सिट डाउन। ये मिस्टर डिसिल्वा का केस है। डिसिल्वा? हाँ, मिस्टर एफ जे डिसिल्वा। 2.5 लाख की इंश्योरेंस है, उम्र भी ज्यादा है, उसके भाई की एक ही लड़की के सिवा उसका आगे पीछे कोई है भी नहीं। मुझे डाउट लगता है, तुम इंक्वायरी करो। लड़की की उम्र क्या है? यंग है। नाम? एलिजाबेथ डिसिल्वा। काम? मालूम नहीं। शादी हो चुकी है क्या? मिस्टर जो, मैं लड़की की नहीं मिस्टर डिसिल्वा की इंक्वायरी के मुतालिक बात कर रहा हूँ। आदमी कैसा है और इतनी बड़ी इंश्योरेंस से क्या मतलब? मैं भी किसी मतलब से पूछ रहा हूँ सर। बात ये, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी एक लड़की है, उसका नाम भी एलिजाबेथ डिसिल्वा है, वो भी यंग है, और उसका भी सिवाय एक अंकल के और कोई है नहीं। हो सकता है कि वही लड़की हो। हाय लिस, इतना जल्दी कैसे आ गया? वहां रहने से भी क्या फायदा, अंकल ने एक पैसा भी नहीं दिया। कितना कितना कहा मगर सब हवा में उड़ा दिया। अंकल अपनी जान दे सकता है मगर एक पैसा नहीं दे सकता। समझ में नहीं आता दादी इतने कंजूस नहीं थे, ये इतने कंजूस कैसे हो गए? कभी कभी जी में आता है अंकल का गला दबा के छुट्टी कर दो। लेस, तुम पैसे के लिए पागल जैसा बात कैको करते, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बोले दो, हमको पैसा चाहिए, पैसे के बिना काम नहीं चलता। मैं तुम्हारी पेइंग गेस्ट हूँ, कितने दिनों से तुम्हारा किराया भी नहीं दे सकी। ओ डोंट वरी, तुम हमारा फ्रेंड है, पैसा मिलेगा तो दे देना। लेकिन सिर्फ किराया तो नहीं, जीने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। मेरे पास क्या है? कुछ भी। शो के लिए भी पैसा। तो क्या हुआ? शो हम लोग चैरिटी के लिए कर रहा है, अच्छा काम है, कोई भी टिकट दे देगा, हम लोग खुद सबके घर जाकर टिकट बेच देगा। काय को रहना मांगता? उसका इधर रहने का हमको कोई फायदा नहीं, रेंट तो देता नहीं। चैरिटी का अंदर शो करता, चैरिटी का अंदर रहता। तुम चैरिटी का बात बोलता, यहाँ तो सब चैरिटी में रहता है, इस घर में रेंट देता कौन? तुम मिस्टर जो को रखा, क्या वो रेंट देता है? तुम हमको क्या बोलता? जो को इधर लाया कौन? हम लाया, तुम लाया? ठीक है, उसको हम लाया, मगर रहने को कौन बोला? हम बोला, तुम बोला? हम बोला। हमको आदमी थोड़ा ठीक लगा। बेचारा गरीब फ्लाक किधर जाता? पुअर बॉय। तुमको आदमी ठीक लगा, बेचारा पुअर बॉय हो गया। लेकिन हमारा लिस्ट बेचारा पुअर गर्ल नहीं है, उसका अंकल ने उसको पुअर बनाया। सुजी। हेलो सिस्टर। हेलो। क्या हुआ, कुछ झगड़ा हो रहा है क्या? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं, हम तो डेली ऐसे बातचीत करता है। तुम्हारा चैरिटी शो कौन सा दिन को है? सैटरडे नाइट। ओह सैटरडे नाइट। टिकट विकेट सब देख क्या? नहीं सिस्टर, अभी तो बहुत सारी बुक्स वैसे ही पड़ी हैं। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे बात से मेहनत कौन नहीं करेगा? जब रास्ते का आदमी मेहनत करने को तैयार हो जाता है तो हम लोग घर का आदमी है ना। यू नॉटी गर्ल, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, रिहर्सल पे जाना है अभी। हरी अभी। बाय 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 बाय। यस सर। प्लीज कम टू माय रूम। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। मैं तुम्हारे पिछले केस का रिकॉर्ड देख रहा था, वेरी एफिशिएंटली हैंडल्ड। थैंक यू सर। नए केस का क्या हुआ? मैं वहां गया था, चोरी का केस है, बहुत ही मामूली केस है। ये केस तुम हैंडल करना चाहते हो? आप हुक्म देंगे तो ये केस भी देख लूंगा, लेकिन अंकल मैं कोई बड़ा केस हैंडल करना चाहता हूँ जिसमें कुछ एक्साइटमेंट हो, कुछ थ्रिल हो। तुम्हारे डैडी भी ऐसे ही थे, उन्होंने मेरे साथ ही पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी, हमेशा बड़ा केस लिया और तरक्की करते करते आईजी तक पहुंच गए। पुलिस फोर्स में तुम्हारी पूरी फैमिली बड़ी डेयरिंग रही। अजय तुम भी बहुत तरक्की करोगे। थैंक यू सर। ठीक है, ये चोरी का केस मैं किसी दूसरे को दे दूंगा। सर सैटरडे इवनिंग को खास काम तो नहीं? क्या? मैं एक शो देखना चाह रहा था। जा सकते हो, फिर भी नोट छोड़ते जाना। थैंक यू सर। एक राजा की सौतेली रानी थी महल के अंदर, जो कहती थी मैं हूं जग में
सबसे ज्यादा सुंदर। ए मेरे शीशे, कौन है जग में सबसे ज्यादा सुंदर? राजकुमारी, राजकुमारी तेरी बेटी इसी महल के अंदर। राजकुमारी तेरी बेटी रहती है जो अब दूर कुटियों के अंदर। सेब ले लो मीठे मीठे सेब ले लो। सुंदर
तेरी बेटी राजकुमारी अब है राजकुमार के साथ। बेहोश पड़ा
अच्छा हम जाता है। ए, कहाँ जा रही हो? चलो ना। अब मैं यहाँ क्या करूँ? बेचारा टिकट भी बेचा, दिल भी बेचा। अब तुम अपना सीट बुक कर लो गंदी। हेलो, बहुत खूबसूरत लग रही है। आईने में क्या देखे? मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। परी से भी खूबसूरत। वन मोर प्लीज। थैंक यू। आ तुम किसकी इजाजत से तस्वीर ली? पोज बहुत अच्छा था, खुला दरवाजा इजाजत दे रहा था। तो उसका बच्चा कैमरा निकालो। ओहो, कैमरा चोरी का नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल अपने अखबार में हेडिंग में आ जाएगा, पुलिस का जुल्म। आप प्रेस रिपोर्टर? जी हाँ, इनका इंटरव्यू और फोटो लेने के लिए आया हूँ। मैं नीचे इंतजार करता हूँ। ओके, आपके लिए क्या मंगाऊं? कुछ मंगाने की जरूरत नहीं, जैसी खूबसूरत आप हैं ऐसा ही खूबसूरत आर्टिकल आपकी तरफ से हमारे पेपर को चाहिए। पूछिए। सवाल नंबर एक, आप इतनी दौलतमंद होते हुए ये शो क्यों करती हैं? चैरिटी के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आजकल के जमाने में लोग बाप के लिए कुछ नहीं करते और आपने चचा के लिए इतना बड़ा चैरिटी शो कर दिया, वेरी गुड। मैं शो अंकल के लिए नहीं करती। एक ही बात है, अंकल के लिए नहीं किया, अंकल के बच्चों के लिए कर दिया। आप कैसी बात करते हैं? मेरे अंकल का कोई बच्चा नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल हो जाएंगे। लेकिन मेरे अंकल ने शादी नहीं की। देर शादी में होती है, बच्चे में नहीं। आप समझते क्यों नहीं, मैं यतीम बच्चों के लिए शो करती हूँ। यतीम बच्चे? जब आपके अंकल की शादी ही नहीं हुई तो बच्चे यतीम कैसे हो जाएंगे? आखिर आप हाथ धो के मेरे अंकल के पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो इसलिए कि मैं आपके अंकल की सही तस्वीर अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूँ। आप मेरा इंटरव्यू लेने आए या मेरे अंकल का? अंकल को इंटरव्यू में इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ कि अंकल आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थे। मेरा मतलब है कि बचपन से आपकी देखभाल भी उन्होंने की और 2.5 लाख रुपए का अपना इंश्योरेंस करवाया, जिसका हकदार भी आप ही को बनाया, क्यों? ठीक है ना? ए मिस्टर, आप प्रेस रिपोर्टर हैं या सीआईडी पुलिस? मेहरबानी करके आप बाहर चले जाइए। लेकिन अभी मेरा सवाल नंबर दो बाकी है। आपका सवाल नंबर दो और आप दोनों बाहर निकलिए। मगर हेलो, मुझे तुम पर तरस आता है। क्या मतलब? लड़की बहुत तेज है, मैं थोड़ी ही देर में बोर हो गया, सोचता हूँ तुम्हारा होल लाइफ क्या हाल होगा। ज्यादा बकवास मत करो। I'm sorry, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। It's all right. क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। रोज तुम इतनी बातें करती हो, आज एकदम चुप। आज मैं तुमसे बहुत सी बातें कहना चाहती हूँ, जिंदगी भर की, लेकिन अल्फाज इतने कम हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से और कैसे शुरू करूँ। प्लीज, आज मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? हम रोज मिलते हैं, अब जी चाहता हमेशा साथ रहूं, इस तरह प्यार करते करते जिंदगी गुजार दी। छोटी सी चीज तुम्हें सब कुछ समझा देगी। अंकल, अंकल शायद शादी की इजाजत नहीं देंगे। अंकल की फिक्र मत करो लिस, उन्हें मैं बना लूंगा। आ, लेकिन पैसे कहाँ है? लिस, तुम्हें शादी मुझसे करनी है या पैसे से? तुम नहीं जानते अजय, मैं शादी में बहुत खर्चा करना चाहती हूँ। अच्छे कपड़े, जेवर, पार्टी, रिसेप्शन, धूम धाम, रियली इन अ बिग वे। बस 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 बस, पैसे के लिए इतनी दीवानी मत करो। और फिर जो कुछ मेरे पास है तुम्हारा ही तो है ना?
मिस्टर जो डिक्रूज सन ऑफ जॉर्ज डिक्रूज, तुम उधर क्या देखता? उधर टेलीफोन देता था। तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा और बेडरूम में भी। यू फूल, तुम हमको फूल बनाता। तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था। छोकरी? तो क्या टेलीफोन छोकरी के हाथ में था? यस। ओ गॉड, जब ही हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहीं को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग, जो बात तुम्हारे हाथ पे है ना, वो किसी में नहीं। डार्लिंग, तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका अंकल पैसे नहीं भेजता? हम उसका बात करते तो वो ठीक है, पर तुम काहे को उसका बात करता है? डोंट फॉरगेट, तुम हमारे पेइंग गेस्ट है। वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी, बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को। नहीं सोएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। राइट राइट। मिस सुजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया? कैसे सोएगा, नींद नहीं आता। जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी। यू शट अप। सुजन, तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन किधर है? तुम क्या बोला, तुम क्या बोला? मैं बोला कि तुम सिस्टर कितना अच्छा है, साथ में सोता है, साथ में उठता है। मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। हम जानता तुम इधर ही रहेगा। तुम बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन तुम लोग का क्या मतलब है? तुम लोग का मतलब तुम लोग, तुम अनुसी। शट अप मिस्टर, तुम हमारा नाम ले सकता, मेरा बड़ा सिस्टर का नहीं, इसको सिस्टर बोलो। ओ नो सुजी, इसका जो मन में आता है बोलने दो। ये लूसी बता हमको बहुत अच्छा लगता। हमको अच्छा नहीं लगता। तुमको अच्छा नहीं लगता? नो। तुमको सिस्टर अच्छा लगता? यस। जो, इसको सिस्टर बोलो। व्हाट? यस। ओ तुम लोग झगड़ा करते हैं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो सिस्टर, सॉरी सॉरी लूसी, सुजी अभी छोटा है, इसको प्रॉपरली हैंडल करना मांगता। तुम क्या इसको प्रॉपरली हैंडल करेगा, सुजी तुमको प्रॉपरली हैंडल करेगा। बी केयरफुल। लिसन मिस्टर डबल साइड, तुम मेरा सिस्टर का नाम लेगा तो अच्छा नहीं होगा। लोग कहते हैं दो मुल्ला में मुर्गी मुर्दार होती है, गलत, यहाँ दो मुर्गियों में मुल्ला मुर्दार हो रहा है। अंकल सीरियस लेस। हेलो, आपका ट्रंकॉल। हेलो हेलो लेस, अरे अभी भी तो तुम्हारा टेलीग्राम मिला। अजय, अजय अंकल चले गए, अंकल गुजर गए, अजय अंकल गुजर गए। अंकल गुजर गए, ये सब कैसे हुआ? लिस, कल शाम को तुम मेरे साथ थी, अंकल की बीमारी के बारे में तो कुछ नहीं बताया। कल रात मुझे अचानक फोन मिला कि अंकल को हार्ट अटैक हुआ है, जल्दी आओ। मैं उसी वक्त रवाना हुई, मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकी। अजय, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरी मदद करो। अजय, मैं बिल्कुल लाचार हूँ। अजय प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। हाँ, मुझे अपना एड्रेस बता दो। हाँ चौरी, हाँ ठीक है, सीधा रास्ता में जल्दी पहुंच जाऊंगा। क्या उसके नजदीक है? टुवर्ड्स राइट। हाँ यू डोंट वरी, मैं बस अभी जल्दी निकल रहा हूं। मैं कम इन सर। कम इन सर, मुझे दो चार दिन के लिए छुट्टी चाहिए। क्यों? वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना लिज, उसके अंकल की अचानक डेथ हो गई है। उसने अभी भी मुझे ट्रंकल पर इन्फॉर्म किया है, बेचारी अकेली है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। वेरी सैड न्यूज, जाओ मगर जल्दी आने की कोशिश करना। थैंक यू सर। Thank you.
मिस्टर डिसिल्वा का मकान मालूम है? आप इस रास्ते से जाइए, वहां आपको बहुत बड़ा मकान मिलेगा। भाई थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल राइट। आप शायद मिस्टर अजय हैं? जी हाँ। आपने आने में बहुत देर कर दी, रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। अचानक दिल का दौरा बढ़ गया, बेचारे समझ ना सके। लिस कहाँ? ऊपर अपने कमरे में। आइए तशरीफ लाइए। लिस, लिस, मैं आ गया हूँ लिस। ओ प्लीज इन्हें डिस्टर्ब ना कीजिए, मैंने इंजेक्शन दिया है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। आई एम सॉरी डॉक्टर। आइए इन्हें आराम करने दीजिए। कम ऑन। बहुत देर हो चुकी, अब जल्दी दफन करना चाहिए वरना डर है कि लाश बिगड़ने लगेगी। आपने इनके रिश्तेदारों को नहीं बुलाया? रिश्तेदार? आप देख रहे हैं कि इस घर में मेरे सिवा दूसरा कोई आदमी नहीं, और फिर लिस को ऐसी हालत में अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं। नहीं, लिस को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मुझसे बताइए ना क्या काम है। देखिए आपको तकलीफ तो जरूर होगी, आप फादर गंसाल्वेस से मिल लीजिए। फादर गंसाल्वेस? जी हाँ, वह चर्च के फादर हैं। चर्च कुछ ज्यादा दूर नहीं है। पहले दाहिने हाथ की तरफ चलिए और फिर आगे चलकर बाईं तरफ मुड़ जाइए, सामने चर्च मिलेगा। मैं इसके लिए जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं उनसे मिल लेता हूँ। थैंक यू। क्या बात है जी? मुझे फादर गंसाल्वेस से मिलना है। वो मैं ही हूँ। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मदद करना तो मेरा फर्ज है, क्या बात है जी? यहाँ पास मिस्टर डिसिल्वा का मकान है, वो बेचारे गुजर गए। मैं यहाँ पर नया हूँ, किसी को भी नहीं जानता, इसलिए उनके दफनाने के लिए कुछ आदमी, कॉफिन और कुछ सामान की जरूरत है। सब इंतजाम हो जाएगा, लेकिन कुछ देर लगेगी। जल्दी नहीं हो सकता फादर, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है देर हो जाने से लाश खराब हो जाने का डर। ओह, फिर भी जितनी जल्दी हो सकेगा कोशिश करूंगा। थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, कौन सा मकान बताया आपने? जी यहाँ नजदीक ही है, बहुत बड़ा घर है, आसपास कोई घर नहीं। अच्छा, Thank you.
हमेशा मदद किया करता था। सब कुछ ठीक हो गया? कोई ट्रबल तो नहीं हुई? जी नहीं, फादर ने बहुत मदद की, सब काम अच्छी तरह हो गया। लिज कैसे? ऊपर है, तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं ज्यादा चाहता हूँ। जाएंगे आप? हाँ, और मरीजों को भी देखना है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अगर जरूरत हो तो फिर बुला लीजिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। जाना ही चाहिए था, इसमें मेहरबानी कैसे? तुम पहली बार मेरे घर ऐसी हालत में आए, मैं तुम्हें रिसीव भी नहीं कर सकी। मुझे पता भी नहीं चला तुम कब आए। लिस, कैसी बातें कर रही है? मैं सोचती हूँ अगर तुम नहीं आते तो शायद अंकल की लाश भी दफन नहीं हो सकती थी। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए लिस। कौन है आप? आप कौन है? जी मैं सामने वाले गांव में रहता हूँ। और इतनी रात के यहाँ किस लिए? जी मैं डॉक्टर साहब से मिलने आया था। डॉक्टर साहब तो जा चुके हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? मुझे मालूम नहीं। बड़ी मुश्किल हो गई, मेरा लड़का बहुत बीमार है। मैंने सुना था कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं। खैर, गुड नाइट। पता नहीं डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे। मैं देखने आया था। नहीं आ रही थी, मैं कॉफी लेने के लिए नीचे चली गई। तुम अब तक सोए नहीं? मैं सो तो गया था मगर अचानक आंख खुल गई। लिज, ऐसी कौन सी लड़की हो सकती है जो तुम्हारे अंकल की कब्र पर जाकर रोए? क्या मतलब? एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी रोते हुए जा रही थी, मैंने समझा तुम हो। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा, देखा वो ठीक तुम्हारे अंकल की कब्र के पास जाकर रोने लगी। और जब मैंने लिज कहकर पुकारा पलटी वो कोई और ही थी। अजय, मैंने सुना है कोई औरत अंकल से लव करती है, उसे कभी देखा नहीं, शायद वही होगी। कॉफी पियोगे? नहीं, रात बहुत हो गई, अब सोना चाहिए। गुड नाइट। अजय। यस।
रात को नींद अच्छी तरह आई थी ना? नहीं अजय, मैं तो रात भर परेशान रही। अंकल की सूरत बार बार मेरी आंखों के सामने घूमती थी। अचानक शौक लगने से अक्सर ऐसा हो जाता है। प्लीज, क्या तुम्हारे अंकल पहले से बीमार रहते थे? नहीं अजय, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। उनके सेहत से बिल्कुल नहीं पता चलता था कि वो बीमार है। तो फिर ये सब कुछ हुआ कैसे? परसों आधी रात के वक्त अचानक टेलीफोन पर पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तुम्हें खबर करने की मैंने हर तरह कोशिश की लेकिन तुम नहीं मिले। सुबह यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें टेलीग्राम दिया और जब मैं यहाँ पहुंची तो अंकल आखिरी सांस ले रहे थे। जज्बात ही ना बनो लिस, हौसला रखो। जल्दी करो, तुम्हारे लिए छुपा के लाया। क्या बात? अरे बात करने का टाइम नहीं है मैम, सिस्टर देखेगा तो उसका टेम्परेचर और हाई होगा। ये कुंडी चढ़ाना फिर नाश्ता बढ़ाना चक्कर समझ नहीं आया? तुम नहीं जानता, आज सिस्टर के साथ बहुत झगड़ा हुआ। उसने तुम्हारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब बंद कर दिया। हम एक चोरी चोरी से लाए, जल्दी खाओ। जल्दी खाने के लिए तो स्पेशल मुंह लगाना पड़ेगा। ओफो, सब एक साथ मुंह में रख लो फिर धीरे धीरे खा लेना। मैं भी कोई ऊँट हूँ जो हफ्ते भर का राशन एक साथ खा जाऊंगा? ये हम नहीं जानता, चलो मुंह खोलो। सॉरी डार्लिंग, आपको बहुत देर हो गया। पर क्या करेगा, सुजी आज आपसे बहुत झगड़ा किया। अरे तुम्हारा थोपड़ा कैसे सूज गया? तुम बोलते कहीं को नहीं? चबाने दो। चबाने दो? तुम क्या चबाता? खाना। खाना? कौन दिया तुमको खाना? मैं रात का खाना। रात का खाना तुम दिन को चबाता? ऊंट दिन को खाता रात को चबाता, हम रात को खाता दिन चबाता। वेरी क्लेवर। अरे ये बाथरूम के अंदर कौन चलता? बाथरूम में सिवाय नल के और कौन चल सकता है? कोई चल रहा है। हीरो अब अभी क्या करें? उधर जाने का जरूरत नहीं है, नल ऑटोमेटिक है, जब चाहता है चलता है जब चाहता है बंद हो जाता है। देखो बंद हो गया। तुमको कुछ और मांगता? अरे वाह क्या टाइम पे पूछा है, एक कप गर्म चाय। ओ ठीक, ये पकड़ो हम अभी लाता। बस चाय पिएगा नहाएगा और ऑफिस को जाएगा। तुम चाय पीछे नहाएगा तो बीमार हो जाएगा, पहले नहा लो फिर चाय पियो, हम इधर वेट करो। डार्लिंग मेरी वजह से तुमको बड़ी तकलीफ हो रही है, आई एम वेरी सॉरी। जोर से कहे को बोलता है? जोर से बोलने में जल्दी सुनने में आता है, जल्दी काम होता है। प्यार में आदमी कभी कभी फंस जाता है, उधर तुम फंस गए इधर मैं फंस गया। ऐसा बोलो, हम बहरा नहीं है, वो सब सुनाई देता है। तुम जल्दी नहा लो, हम इधर ही वेट करते हैं। तुम इधर मत वेट करो, ऐसा करो जब तक तुम चाय गर्म कर लो और मैं नहा लेता हूँ। मैं तुम कितना क्रूर है, हमको दो मिनट बैठने भी नहीं देता। तुम बाद में दो घंटे बैठ जाना, मगर अभी जाओ टाइम खराब है। जो नल खुला मत छोड़ना। अरे बाबा तुम नल की फिक्र मत करो, जाओ चलो। थैंक यू जो। प्लीज प्लीज, क्या बात है? अंकल को ये ट्यून बहुत पसंद थी, वो इस ट्यून में इतना खो जाते थे कि मेरी बात भी नहीं सुनते थे। ठीक है, पर कब तक ये ट्यून इस घर में गूंजती रहेगी? मैं देख रहा हूँ जब से अंकल की डेथ हुई है तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है। प्लीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं। क्या करूं अजय, डैडी मुझे इतना नहीं याद आते, लेकिन मैंने अंकल को मरते देखा है इसीलिए अंकल मुझे बहुत याद आते हैं। डैडी के बाद उन्होंने मुझे पाला था, अब ऐसा लगता है वो मरे नहीं, इस घर में चल फिर रहे हैं। पर ऐसा सोचने से वो वापस तो नहीं आएंगे। ये तो मैं भी जानती हूँ। तो फिर ऐसा क्यों सोचती थी? लिस, मेरे ख्याल में अब तुम्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ तुमने मौत देखी है, इस घर में रहोगी तो अपने आप से उलझती रहोगी, यहाँ से बाहर चलो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। मगर कहाँ चलो? मेरे साथ। तुम्हारे साथ? हाँ। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे,
तुम भी नई दुनिया में पुराने जमाने की बात करती हो। खैर लोग कुछ भी कहें, मैं तुम्हें इस घर में अकेला नहीं रहने दूंगा। मैं सूजन फर्नांडिस, तुम अनमेरिड छोकरी होकर दूसरे आदमी का वास्तवरी करता, ये बिल्कुल अच्छा बात नहीं। मैडम लूसी फर्नांडिस, तुम्हारा भी शादी नहीं हुआ, दूसरे आदमी के लिए जाना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर तुम अंडर एज है मैम। आई एम नॉट अंडर एज, हम 22 साल का है। ये तुम क्या बोलता सूजी, अभी तो हम 18 बरस का नहीं हुआ, नॉट इवन 18, तो तुम 22 बरस का कैसे हो सकता है? तुम 18 साल का है। ओ मैडम यू आर मिस्टेकन, तुम 28 साल का हो गया। आहिस्ता बोलो मैम, सारा स्ट्रीट का लोग सुनेगा। सुनेगा अच्छा होगा, जब मोहल्ले वाले पूछेगा तुम इतना इतना रात किसके लिए जाता, फिर तुम जवाब देना। हाँ हाँ हम जवाब देगा, हम बोलेगा हम जो को लव करता। तुम लव करते? जो को तुम लव करते? यस, जो हमको प्यार का नजर से देखता। अब आंख फेरेंगे, उसका आंख निकाल के तुम्हारा हाथ में डाल देगा। ओह नो, तुम जो का आंख निकाल कर हमारा हाथ अंदर रखेगा, तुम उसको अंधा करेगा। इन दो महीनों के चक्कर में मैं जरूर अंधा हो जाऊंगा, आज तो कोई सरकारी जगह ढूंढो। अंधा लव होना है, ओह जो को आने दो, आज फैसला होना ही चाहिए। अरे दिल हमारा हुस्न वालों का अखाड़ा अखाड़ा हो गया, अपने ही हाथों से खुद अपना, अरे अपना कबाड़ा हो गया। एक अनार दो बीमार, एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। दो दो उल्फत के बाजार होगा कैसे कारोबार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, ओ हो बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार, बड़ी हाँ बड़ी, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। कोई मेरे रोक दे इस बमबारी को, कोई मेरे तो टुकड़े करके रोक दे इस बमबारी को, एक टुकड़ा शोले को दे दे और एक टुकड़ा चिंगारी को, इस झमेले से यारों में घबरा गया, इस झमेले से यारों में घबरा गया, दिल धड़कने लगा सर भी चकरा गया, गया गया गया। मेरी खातिर दो दो यार, मेरी खातिर दो दो यार, लड़ने मरने को तैयार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, ओ हो बड़ी मुश्किल है। मुझको फिर यूं ना उखड़ती सांसें, फिर यूं ना उखड़ती सांसें, तो के चक्कर में मेरी अकल फंस गई, तो के चक्कर में मेरी अकल
वहाँ कल फंस गई, मैंने खेली थी सिंगल डबल फंस गई, डबल फंस गई, डा डा ला 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 डबल फंस गई। बड़ी समझे मुझको यार, छोटी है मेरी दिलदार, बड़ी समझे मुझको यार, छोटी है मेरी दिलदार, बड़ी मुश्किल है हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है, एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार, बड़ी हाँ बड़ी, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है, दो दो उल्फत के बाजार, होगा कैसे कारोबार, बड़ी मुश्किल है हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। आप, मैं तुम्हें कई बार ताकीद कर चुका हूँ लेकिन तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आते, तुम्हारा ध्यान काम में कम लड़कियों में ज्यादा रहता है। मगर सर, अगर मगर कुछ नहीं, आज से तुम्हारी छुट्टी। छुट्टी पकड़ के साथ? मगर सर कितने दिन की? जिंदगी भर की। जिंदगी भर की? मिस्टर डिसिल्वा, गुड मॉर्निंग। डिसिल्वा कौन? मिस्टर डिसिल्वा? इस मकान के मालिक। मैं वो डिसिल्वा नहीं। तो वो डिसिल्वा कहाँ गए? कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान? किसी को पहुँचाने गए क्या? जी, वो खुद पहुँच गए। वो खुद पहुँच गए? जरा आप क्लियर करके समझाइए ना। मिस्टर डिसिल्वा मर गए। मर गए? तो फिर मैं भी मर गया। अरे अरे अरे, आप तो रोने लगे, क्या बात है? अरे वो तो दुनिया से निकल गए, मुझे नौकरी से निकलवा देंगे, अब मैं क्या करूं? आप इधर से आए थे ना? यस। अब आप इधर से चले गए? थैंक यू। हाँ हाँ, जाता हूँ। तुम्हारा लड़का कोई बच्चा तो नहीं? बड़ी उम्र का आदमी है, फिर गुम कैसे हो गया? वो अपने छोटे भाई रमेश से मिलने गया था साहब, आज तक वापस नहीं आया। मेरा वही एक सहारा था साहब। तुम्हारा छोटा लड़का कहाँ है? वो अपनी बीवी के साथ यहाँ से बहुत दूर रहता है साहब, चौरी के पास। बहुत बुरा है, पक्का शराबी। मेरी औलाद है इसलिए कह नहीं सकता कितना बुरा है। मेरी औरत भी उसी के दुख में मरी है साहब। क्या तुम्हें अपने छोटे बेटे पर शक है? औलाद पर माँ बाप कैसे शक कर सकते हैं साहब? लेकिन वो अपने छोटे भाई के पास क्यों गया? वो उसे समझाने गया था साहब कि बाप का कुछ ख्याल करे, अपनी बुरी आदतें छोड़े। तुमने रमेश से कुछ पूछा नहीं? वो कहता प्रकाश यहाँ नहीं आया, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, जिंदगी भर आपको दुआएं देता रहूंगा साहब। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हमारा काम ही मदद करना है। अपने बड़े लड़के की तस्वीर दे सकते हो? हम गरीब आदमियों के पास तस्वीर कहाँ से आई साहब? उसकी तस्वीर से हमें मदद मिल सकती है। मैं कोशिश करूंगा साहब, शायद उसके किसी दोस्त के पास मिल जाए। जल्दी पहुंचा दीजिएगा, मैं इंक्वायरी शुरू किए देता हूँ। भगवान आपका भला करे साहब, भगवान आपको सुखी रखे। किससे मिलना है आप? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मुझे मैडम से मिलना है। मुझसे? क्या काम है आपको? आपके अंकल ने मुझसे 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे, ये पर नोट भी मेरे पास मौजूद है, ये कर्जा अदा कर दीजिए। अंकल का कर्जा मैं क्यों अदा करूं? इसलिए कि उनके मरने के बाद जायदाद के हकदार आप हैं और इंश्योरेंस कंपनी के रुपयों के भी हकदार आप हैं। इंश्योरेंस? आपको कैसे मालूम? कर्ज देने वाले को सब कुछ मालूम करना पड़ता है मैडम। मुझे सब कुछ नहीं मालूम। तो फिर मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। क्या मतलब? देखिए मिस्टर, गुस्सा करने की जरूरत नहीं, इस बेचारी को कायदे कानून का कुछ पता नहीं। आप इनके सॉलिसिटर से बात क्यों नहीं करते? उनका एड्रेस मैं आपको देता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं उनसे मिल लूंगा। बाय बाय। रुकिए मैडम, इस बात का जितनी जल्दी फैसला हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। मैं इसको एक पैसा भी नहीं दूंगी। अंकल से जाके क्यों नहीं मांगता? लेस, क्या कह रही हो? अंकल की डेथ हो चुकी है। हमारा अंकल सफा हो गया,
हम उसको लास्ट टाइम में कब्र में उतारने को भी आ नहीं सका। तुम कहाँ से आए हो? बाथरूम से। क्या? I mean, actually, हम आया लंदन से है। लीज का कजिन है। कजिन? Yes. क्या नाम है? जोसेफ फ्रांसिस रोमियो डी सिल्वर। पूरे खानदान का नाम है ये? वॉल शॉर्टकट बनाएगा। तुम खाली जो बोलने को सकता है बात तुम कई को बीच में बोलता है। अपना कजिन को बात करने को दो। मैं तुमको नहीं पहचानती मिस्टर। वेल तुम नहीं पहचानेगा। जब हम लोग बहुत छोटा होता हम लंदन को गया, बड़ा होकर वापस आ गया। क्यों वापस आ गया? तुम्हारा साथ शादी बनाने को। यू? ओ यस अंकल, हम लोग का शादी जब भी हम लोग छोटा होता पक्का बनाया। शट अप, बकवास मत करो, चलो यहाँ से। तुम जैसों के लिए हिंदुस्तान में आश्रम बहुत है। गेट आउट। व्हाट? आई से गेट आउट। हम गिराव करेगा, सत्याग्रह करेगा, अपना राइट के वास्ते फाइट करेगा, नहीं छोड़ेगा। पब्लिक, पब्लिक, इनजस्टिस, इनजस्टिस, हमारा दुनिया में कोई पन नहीं है। हमारा अंकल मर गया, सब लोग हमारा दुश्मन बन गया। हमारा मंगेतर दूसरा लड़के के साथ मिलके हमारा इंसल्ट बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड। हमको घर से बाहर निकलता है, आश्रम में जाने का बोलता है। हमारा कोई पन नहीं है। किधर है इंसाफ, किधर है जस्टिस? हम अपना घेराव सक्सेसफुल बनाएगा। इधर ही मरेगा, ऊपर अंकल के पास जाएगा, उसको कंप्लेन करेगा। हमारा शादी ऐसा लड़की के साथ कई को पक्का किया। अजीब आदमी है, देखो क्या ड्रामा कर रहा है। तुम इसे बिल्कुल नहीं पहचानती? अजय मेरे समझ में नहीं आता। मेरा एक कजन इंग्लैंड में है जरूर, उसका नाम जो है, मगर मैं इसको नहीं पहचानती। कहीं ये बेचारा तुम्हारा कजन ना हो, नहीं तो इतनी दिलेरी से अंदर कैसे आता? इसे अंदर ले आना चाहिए। मगर क्यों? इसको घर में लाने से क्या फायदा? एक फायदा है, तुम कहती थी ना हम दोनों साथ रहेंगे तो लोग बदनामी करेंगे, ये साथ में रहेगा तो कोई बोल नहीं सकेगा। थोड़े से और रह गए हैं, वकील बेचारा भी क्या कर सकता है। कानूनी कार्रवाई तो पूरी करनी ही पड़ेगी, और फिर आपकी जायदाद भी तो कम नहीं। अभी इंश्योरेंस के 2.5 लाख रुपए भी तो आप ही को मिलने हैं। मगर इतने सारे कागजात अप्रूव होने में कितने वर्ष लगेंगे? कुछ वक्त तो लग ही जाएगा, लेकिन आप खुश नसीब हैं कि मिस्टर अजय ऑफिसर हैं और बतौर गवाह साइन कर रहे हैं, वरना आजकल तो बाप साइन करके मर जाता है और बाद में उसके बेटों को फिर दोबारा साइन करना पड़ता है। वकील साहब, एक बात मैं भूल गया, ये रुपया इनको मिलेगा या इनकी औलाद? आप मजाक कर रहे हैं। लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है मिस्टर मिरांडा। बहुत जरूरत है? हाँ। तो मुझसे ले जाइए। लेकिन मैं आपके पैसे क्यों लूं? मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ मैडम, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसका मैंने पहले से बंदोबस्त कर रखा है। ये लीजिए, जब आपको मिल जाए तो मुझे लौटा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। गले लग जा, हो जाने जाना। हाँ मेरे गले लग जा, जा।
आप ही का नाम जसवंतराव है जी? मैं ही। बड़े साहब अभी अभी आप ही का केस मुझे बता रहे थे, वो तस्वीर लाए हैं आप? जी ये है उसकी तस्वीर। ये तस्वीर यही मिली, और कोई तस्वीर नहीं मिली साहब। ये तस्वीर आपके लड़के की है? हाँ साहब, ये उसी की तस्वीर है। ये कैसे हो सकता है? आप विश्वास कीजिए साहब, ये मेरे प्रकाश की तस्वीर है। आप ठीक कह रहे हैं। मैं गलत क्यों कहने लगा सरकार? मेरे जीवन का प्रकाश चला गया तो क्या मैं अब उसकी तस्वीर भी नहीं पहचान सकता? आप लोग तो क्रिश्चियन है ना? क्या कह रहे हैं आप? मैं गरीब आदमी हूँ सरकार, हिंदू हूँ, मुझे मेरा प्रकाश दिलवा दीजिए। मैं आपसे अपना प्रकाश मांगने आया हूँ, आपकी बड़ी दया होगी सरकार। भगवान आपको धीरज दे। देखिए हम इंक्वायरी करते हैं, आप मिलते रहिएगा। भगवान आपको सुखी रखे, भगवान आपको सुखी रखे सरकार। मैं कैसी लगती हूँ? एब्सोल्युटली न्यू फैशन। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। रियली रियली? तुम अगर ब्यूटी कंपटीशन में जाता, लोग तुमको ब्यूटी क्वीन बना के वॉर में भेज देता। पीछे हमको मांगनी तोड़ना पड़ते। मिस्टर ज्यादा मत बोलो, प्लीज कीप क्वाइट। हम उर्दू समझता है, बट वाई कीप क्वाइट? मॉर्निंग ब्यूटी देखकर कौवा बोलता है, मुर्गा लोग बोलता है, तुम्हारा ब्यूटी देखकर हम काय को नहीं बोल सकता है? हम तो आदमी है। देखो तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, क्या इंग्लैंड में सब तुम्हारी तरह बोलते हैं? यानी मेरा मतलब बहुत बोलते हैं? ओ नो, उधर तो 60 सेकंड में 120 वर्ड्स बोलता है। हाँ 60 सेकंड में मैं तो 140 वर्ड बोलती हूँ। इंडियन औरत को बोलने में कभी कोई नहीं बीट कर सकता। फिर तुम हमको बोलने का वास्ते कहीं को रोकता है? अंकल होता हमको कभी कीप क्वाइट नहीं बोलता था, पर उसका विकेट पहले ही गिर गया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वो हमारे वास्ते रोड क्लियर बना के गया। कितना पॉलिसी से काम लिया, जो रुपया तुमको शादी के बाद मिलने का था पहले मिल गया। अभी हम लोग शादी बना के किधर भी हनीमून को जा सकता है। नहीं शट अप, तुमसे कौन शादी करेगा? ड्रीम मत देखो मिस्टर। और ड्रीम देखना है तो बाहर जाकर देखो। दैट्स राइट। ऑलराइट। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे बहुत देर से बोर कर रहा था। ये सब क्या है? ये सब मैंने खरीदा। इतना ब्यूटीफुल फ्रॉक है ना? बहुत खूबसूरत। और भी कुछ कपड़े खरीदे। कितना प्यारा कलर है और थोड़ी सी देवर। तुम तो शॉपिंग में एकदम एक्सपर्ट हो गई। ये स्टेप्स, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन की, और ये नेकलेस भी मैंने लिया। शादी से पहले सारा सामान खरीद लिया? सारा सामान कहाँ, थोड़े से कपड़े, थोड़े से जेवर। पर अजय तुम नहीं जानते मैं क्या क्या खरीदना चाहती हूँ। सारी दुनिया खरीद सकती हो, अपनी पसंद की हर चीज, कार, बंगला, क्या क्या नहीं खरीद सकती। रियली अजय, आई एम सो हैप्पी। पहले एक एक पैसे के लिए अंकल के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। पैसा था मगर खर्च नहीं कर सकती। अब एक ही जगह चार खर्च कर सकती हूँ, लुटा करती हूँ, फेंक सकती हूँ। आपको रोकने वाला भी नहीं है। तुम्हारे अंकल की मौत के बाद तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई है। लेज, तुम अपने अंकल की कोई यादगार क्यों नहीं बनाती? कोई पेंटिंग, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। पेंटिंग कैसे बनवाऊं? मेरे पास तो उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तुम्हारे अंकल की एक तस्वीर मुझे मिली है। तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो नहीं बता सकता, पर ये है वो तस्वीर। यही है ना तुम्हारे? एब्सोल्युटली नॉट। तुम उसे दिल लगी कर रहे हो? पता नहीं कौन दिल लगी कर रहा है। अच्छा ये बता सकते हो किस आदमी की तस्वीर? मुझे क्या मालूम, होगा कोई, दुनिया में हजारों लोग हैं। तुम इस आदमी को नहीं जानती? कह तो दिया नहीं जानती। तुम सच कह रही हो लिस? अजय कैसी बातें कर रहे हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। आई एम सॉरी लिस। अच्छा मैं, चलो मुझे एक जरूरी काम है। मुझे साथ ले चलोगे ना? श्योर। हाउ स्वीट। रियली? ओह नो।
गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। मुझे फादर गंसाल्वेस से मिलना है। वो तो यहाँ नहीं है। लेकिन वो इसी चर्च में आया करते थे। हाँ, मेरी जगह कुछ दिनों के लिए आए थे। आई सी। इस वक्त कहाँ मिलेंगे वो? नेगाव चर्च में। क्यों, क्या बात है? हाँ, कुछ कानूनी मुश्किल आन पड़ी है फादर। देखिए, यहाँ एक मिस्टर डिसिल्वा रहा करते थे, उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मैंने सुना तो है कि यहाँ इस्लाम के एक आदमी रहते थे। क्या आप बता सकते हैं ये तस्वीर मिस्टर डिसिल्वा की? मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं उनसे कभी मिला नहीं। थैंक यू फादर। कुछ पता चला? नहीं सर, डॉक्टर का कोई पता नहीं। क्या कह रहे हो? यस सर, इस नाम का एक डॉक्टर गोवा आजाद होने से पहले मुल्क छोड़कर चला गया। सर, तुम्हें कुछ पता चला? सर, आपने जिस लड़की का हुलिया बताया था, पूछताछ के बाद मालूम हुआ है कि वो लड़की रमेश की औरत थी। रमेश का पता चला? जी, वो अपने ससुराल गया हुआ है। वो लोग जिन्होंने लाश दफन की थी, उनका कुछ पता चला? वो सब लोग दूसरे गाँव से किराए पर आए थे। किराए पर, क्या मतलब? जी हाँ, उनका यही पेशा है, पैसा मिलता है, पीने को मिलता है, शराब पी के किसी की भी लाश दफन कर देते हैं। ठीक है, मेरे साथ चलिए, बाद में पुलिस स्टेशन बुलाना। तुम कब्रिस्तान जाओ, कफन वगैरह निकलवाओ, मैं वहां पहुंचता हूं। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। आपने शायद पहचाना नहीं मुझे। मैंने शायद आपको कहीं, इस आदमी के दफन के लिए मैं आपके पास आया था। हाँ, याद आ गया, आदमी लिबास की वजह से कितना बदल जाता है। इसके बारे में आप कुछ तफसील में बता सकेंगे? मैं कुछ नहीं जानता, आप ही ने इसके मरने की खबर दी थी। आप मिस्टर डिसिल्वा को नहीं जानते? नहीं तो, उस चर्च के फादर कुछ दिनों के लिए बीमार थे, इसलिए मैं वहां गया था। क्या बात है? एक मुश्किल अनपढ़ है फादर, मिस्टर डिसिल्वा की बजाय हमने किसी गलत आदमी को दफन कर दिया। गलत आदमी को दफन कर दिया, ये कैसे हो सकता है? यही तो गलती हो गई। मिस्टर डिसिल्वा को दफन करने के लिए आपने आदमी कहाँ से बुलवाए थे? वो मिस्टर पिंटू, उन्होंने से बंदोबस्त किया था। मिस्टर पिंटू कहाँ रहते हैं? वो असनोरा गाँव में रहते हैं। थैंक यू फादर, आइंदा शायद आपकी मदद की जरूरत पड़े। और देखिए, अगर आप मिस्टर पिंटू को फिर कभी इस तरफ देखें या मिले तो पुलिस स्टेशन इतला कर दीजिए। जरूर। निकाला जा रहा है सर। इतने दिन से क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल था इतनी बड़ी रकम की इंश्योरेंस करने से पहले आप लोग काफी इंक्वायरी करते हैं। लेकिन इंक्वायरी कंप्लीट होने से पहले ही मिस्टर डिसिल्वा की डेथ हो गई। मिस्टर शर्मा, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। जी हाँ, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, कोई बात मालूम होने पर हम आपको इतना देंगे। थैंक यू सर। क्यों, क्या बात है? सर,
सर, मैं अपना इस्तीफा देना चाहता हूँ। इस्तीफा? जी। किस लिए? लगता है जसवंत के लड़के के केस में मैंने अपने आप को उलझा लिया है। कैसे? जसवंत ने अपने लड़के की जो तस्वीर मुझे दी थी उसे देखकर पता चला कि उस आदमी को मैंने लिस का अंकल समझकर दफना दिया है। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम लिस के अंकल को नहीं पहचानते थे? मैंने आज तक कभी लिस के अंकल को देखा ही नहीं था। और लिस भी अपने मरे अंकल को नहीं पहचान सकी? इस वक्त मैं घर पहुंचा उस वक्त लिस बेहोश थी, सिर्फ डॉक्टर वहां मौजूद था और डॉक्टर के कहने पर मैंने वहां के लोकल चर्च के फादर से मिलकर लिस के अंकल को दफनाने का इंतजाम किया था। डॉक्टर कहाँ है? इंक्वायरी से पता चला है इस नाम का डॉक्टर गोवा आजाद होने से पहले हिंदुस्तान छोड़कर चला गया। और चर्च का फादर? बीमार थे, उनकी जगह दूसरे गांव से फादर गंसाल्वेस आए थे, लेकिन वहां के लोगों के बारे में फादर गंसाल्वेस को तो कुछ मालूम नहीं था। लेकिन लाश उठाने वाले तो होंगे? वो सब किराए के आदमी थे। एक आदमी की मौत मामूली बात नहीं, आसपास के लोगों को तो मालूम होना चाहिए। उस गांव की आबादी इतनी दूर दूर है, अगर कोई बात राज रखी जाए तो किसी को खबर भी नहीं हो सकती। दफन होने के बाद कोई खास बात हुई? एक बात जरूर खटकी, लेकिन उस वक्त बहुत नेचुरल लग रही थी। क्या? एक आदमी बहुत रो रहा था, पता चला कि मरने वाला उसकी मदद किया करता था, और उसी रात एक लड़की को लिस्ट समझकर मैं उसके पीछे कब्रिस्तान गया। वो लड़की ठीक उसी कब्र पे रो रही थी जहां मैंने लाश दफन की थी। वो आदमी और लड़की कौन? पता चला है वो आदमी जसवंत का छोटा लड़का रमेश है और वो औरत उसकी बीवी। वो लोग कहाँ है? रमेश अपनी बीवी के साथ ससुराल गया है, खबर आज शाम तक लौट आएगा। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था कि तुम कब्र से लाश निकालने गए। जी हाँ, कब्र खोदी गई पर कफर में लाश नहीं थी। तुम जानते हो मिस्टर डिसिल्वा ने बहुत बड़ी रकम का इंश्योरेंस करवाया है। लिज किस तरह की लड़की है? लिज दौलत की दीवानी है, अंकल की मौत के बाद रुपया पानी की तरह बहा रही है। उसे बाप की वो जायदाद भी मिल गई है जिसका ट्रस्ट थी उसका अंकल था। तुम उस लड़की को कब से जानते हो? कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी। उसके हालात जाने बगैर तुमने उससे एंगेजमेंट भी कर लिया? प्यार इतना अंधा होता है? आई एम सॉरी सर, तब इन हालात का पता नहीं था, लेकिन मैं अभी। लिस से तुम्हारी मुलाकात कब हुई? देखो मुझसे कोई बात छिपाना मत। कुछ दिन पहले मैं अपनी कार में कैलनगोट के रास्ते पर जा रहा था, एक दूसरी कार मेरे पीछे आ रही थी। Are you all right? What a driving! इतनी रैश गाड़ी चलाने की इजाजत किसने दी आपको? This is none of your business, Mister. आप लाइसेंस लाइए अपना। आप कौन होते हैं पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ? जी। अभी बताता हूँ। Hello. हेलो हेलो हेलो, अजय स्पीकिंग। यस, डीएसपी अजय। देखो कैलनगोट रोड पर GDA 3787 का एक्सीडेंट हो गया है, हाँ उसे कहीं पहुंचाने का इंतजाम करो। और देखो मैं वो सामने दरख्त के नीचे इंतजार कर रहा हूँ। ओवर। आई एम सॉरी, ये लीजिए मेरा लाइसेंस। एलिजाबेथ डिसिल्वा, थैंक यू। आइए तो तशरीफ ले आइए। कानून के बारे में आपको काफी मालूमात होंगी। हाँ, मालूमात तो रखनी पड़ती है। कहिए क्या बात है? मेरी जायदाद का झगड़ा है। जायदाद का? हाँ, मेरी इस गाड़ी से आप ये अंदाजा मत लगाइए कि मेरी भी यही हालत है। मैं अपने डैडी की बहुत बड़ी जायदाद की मालिक हूँ, लेकिन उसके ट्रस्टी मेरे अंकल है जो बहुत कंजूस है, एक पैसा नहीं देते। मैं अपनी मर्जी से कुछ खर्च नहीं कर सकती। मिस एलिजाबेथ, लगता है आपको पैसे से बहुत प्यार है। कितना पैसा खर्च करना चाहती हैं आप? ओहो, आप नहीं जानते, मेरा पैसा और मुझे मांगना पड़ता है। मैं एक नई गाड़ी नहीं खरीद सकती, नया बंगला नहीं खरीद सकती, आराम से नहीं रह सकती, कुछ नहीं कर सकती। डैडी ने भी अजीब शर्त रखी, जब तक अंकल मर ना जाए या मैं शादी ना कर लूं मुझे पैसा नहीं मिलेगा। बताइए ये कुछ शर्त है? शर्त तो वाकई बहुत टेढ़ी है। ठीक है, मैं दरियाफ्त करके आपको बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए, अपना एड्रेस मुझे दे दीजिए और अगर कोई फोन नंबर हो वो भी दे दीजिए। ओहो,
आप नहीं जानते मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। आपको पैसों की बहुत जरूरत है ना, तो एक काम कीजिए, अपने अंकल का गला दबा दीजिए, पैसे ही पैसे मिल जाएंगे। क्या? नहीं जमा, ठीक है जाने दीजिए। दूसरा आसान तरीका तो यही है, किसी शरीफ आदमी से शादी कर लीजिए। हाँ, शरीफ आदमी आजकल कहाँ मिलते हैं? लो, बहुत मिलते हैं, और फिर दूर जाने की भी जरूरत नहीं। मतलब? मतलब आप समझ लीजिए ना। आप ही समझा दीजिए ना। मैं कैसे समझाऊं, मैं खुद शरीफ आदमी हूँ, और फिर आपको चाहने लगा। अच्छा, आप मुझे चाहते भी हैं? लिज मैं सच क्या है? लिज, मुझे नींद आ रही है। हेलो हेलो लिज, मैं पूछना चाह रही थी तुम क्या कर रहे हो, बेकार बैठे हो गए? बेकार तो नहीं, तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तो कह दिया था इतना बड़ा फैसला दो मिनट में नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा करते हैं, जब तक मैं सोचती हूँ तुम तारे गिनो। लिज, मैंने किताब में पढ़ा है आसमान पर शायद 50 करोड़ 75 लाख 311 के लगभग सितारे। ये तो दूसरों ने गिने, तुमने कितने गिने? अभी तक तो एक ही सितारा देखा है, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। लिज, बता सकती हूँ सितारा मैं किस तरह हासिल कर सकता हूँ? पहले ये तो बताओ, वो सितारा तुम क्यों हासिल करना चाहते हो? क्या बताऊँ, मुझे उससे प्यार हो गया है लिज। क्या क्या हो गया है? प्यार, तुम नहीं जानती प्यार क्या होता है। प्यार की ये बातें हमको ना समझाओ, प्यार की ये बातें हमको ना समझाओ, कैसा होता है प्यार हम नहीं जानते, कैसा होता है प्यार हम नहीं जानते, और कोई दिल का अफसाना सुना, फसाना सुना, ये फसाना सरकार हम नहीं जानते, कैसा होता है प्यार हम नहीं जानते। आप हमसे I'm not afraid to die.
कब मुलाकात होती है? कल? कल क्यों? आज? एंगेजमेंट के कितने दिन बाद अंकल की डेथ हुई? दूसरे ही दिन मुझे लिस का फोन मिला कि उसके अंकल गुजर गए। मुमकिन है दौलत और जायदाद की दीवानी लड़की ने तुम्हारे दस्तखत के लिए सब कुछ किया हो ताकि कागजात तुम्हारी गवाही से ज्यादा सॉलिड हो जाए। हो सकता है। एक दूसरा एंगल भी हो सकता है। दूसरा एंगल? शायद लिस किसी के दबाव में ये सब कुछ कर रही। तुम अपनी इंक्वायरी जारी रखो। सर मेरे ख्याल में ये काम है। अजय सिट डाउन। बैठो बैठो। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और पुलिस को जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। आई कम इन सर? यस। सर कब्रिस्तान से फिंगरप्रिंट के लिए कफन मंगवा लिया गया है और मैंने उसे लेबोरेटरी में भेजा है। उसकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द अजय के पास भिजवा दो। यस सर। सर आप नए गांव चर्च में फादर गुंसाल्वी से मिलने गए थे? हाँ, क्या बात? आपकी वापसी के बाद उन्हें बदमाश वहां से उठा ले गए। किसने बताया? उस चर्च से एक आदमी आया था, इंस्पेक्टर खान उसके साथ इंक्वायरी के लिए गए। इंस्पेक्टर खान जो वापस आए उन्हें हमारे पास भेज देना। यस सर। अजय मामला तो उलझता ही जा रहा है। लिज आजकल तुम्हारे घर पर रहती? जी हाँ। मर्डर? क्या हुआ? मैं डर गई। क्यों? अब तुम मुझसे डरने लगी? कभी कभी डरना भी चाहिए। इसलिए कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ? डोंट बी सिली। तुम्हारे पुलिस ऑफिसर होने की वजह से मैं क्यों डरने लगी? लिज अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अजय क्या हो गया है तुम्हें? मुझे? हाँ मैं तुम्हें कुछ चेंज देख रही हूँ। पहले तुम घर में हंसते हुए आते थे, अब आते हो तो तुम्हारी नजरें कुछ क्वेश्चन करती हुई दिखाई देती हैं। तुम ठीक कह रही हो लिस, मेरी नजरें किसी की तलाश में हैं और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कोई मुजरिम मुझसे बच नहीं सकता। मुजरिम? मुझसे क्यों कह रहे हो? हो सकता है तुमने अपनी मर्जी से कुछ ना किया हो, लेकिन कभी कभी आदमी किसी के दबाव में आकर जुर्म कर बैठता है। What do you mean? अजय मैं फील कर रही हूँ तुम मुझ पर शक कर रहे हो। आज तुम्हारी मोहब्बत से मुझे क्या मिल रहा है? शक, नफरत? लिस, नफरत नहीं, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नहीं देख सकता। तुम्हारे बचाव के लिए जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ूंगा, लेकिन मुझे इतना बता दो तुमने ये क्यों किया, किसके लिए किया? लेकिन अजय मैंने क्या किया? तुमने मुझे टेलीग्राम दिया, ट्रंक कॉल किया, मैं तुम्हारी मदद के लिए घर पहुंचा। तुम्हारा अंकल मर चुका था, मैंने खुद उसे दफन किया, लेकिन लिज मैंने तुम्हारे अंकल को दफन नहीं किया। मैं नहीं जानती तुमने किसे दफन किया, मैं तो घर में बेहोश पड़ी थी। ये सिर्फ तुम कह सकती हो क्योंकि तुम्हारे सिवा किसी को पता नहीं कि तुम बेहोश थी या होश में। मैंने इस आदमी को दफन किया था। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ ये मेरा अंकल नहीं है। अजय मेरा अंकल नहीं है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अंकल जिंदा है तो कहाँ गया? मर गया तो उसका क्या हुआ? क्या हुआ तुम जानते होगे। बस मैं इतना जानती हूँ मेरे सामने मरा था, फिर मुझे कुछ नहीं मालूम। मालूम नहीं या बताना नहीं चाहती? अदालत के हुक्म से मैंने उसकी कब्र खुदवाई तो जानती हूँ मुझे वहाँ क्या मिला। क्या मिला? पत्थरों के सिवा वहाँ कुछ नहीं था, कोई लाश नहीं थी वहाँ। लिज प्यार आदमी को अंधा बना देता है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे कानूनी मुजरिम बना दिया है। अजय यू आर हर्टिंग मी। आंसू से कानून का तराजू नहीं झुक सकता। लिस फर्ज का पल्ला बहुत भारी है। तुम पैसे की दीवानी हो, याद है एक दफा तुमने कहा था पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। पैसे के लालच में तुमने मेरी भी परवाह ना की, तुमने सोचा मोहब्बत बला से खत्म हो जाए और तुम अपने अंकल की मौत का सौदा करके दौलत हासिल कर एक ही रात में रिच हो जाओ, फेमुलसली रिच। स्टॉप इट, स्टॉप इट, फॉर गॉड्स सेक स्टॉप इट। मुझे अपने अंकल का हुलिया बताओ, बताओ कैसा था, डिस्क्राइब हिम। वो मिडिल एज के आदमी थे, गोरे, वेल बिल्ट, उनके बाएं पैर एक उंगली नहीं थी। लायर।
रमेश कौन है भाई? मेरे घर में या ना खुद अपने घर में अभी तक मैं मौजूद नहीं, ये आप कहाँ से आ गए? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी का इंतजार आप क्यों कर रहे हैं साहब? रमेश आप तो पुलिस की वर्दी में सर। क्यों, नशा कम हुआ? सर मेरी बीवी तो अपने मायके गई है सर। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया। तुम एक मामूली मजदूर हो, फिर इतनी कीमती शराब कैसे खरीदते हो? पैसे से सर, अभी अभी बोनस मिला था और कभी कभी यार दोस्तों से उधार भी ले लेता हूँ साहब। मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ तुम्हारा बड़ा भाई किस तरह मरा था? मेरा बड़ा भाई, मेरा भाई मर गया साहब। हाँ हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई प्रकाश, जो तुम्हें समझाने के लिए यहाँ आया था। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है साहब, विश्वास कीजिए मेरा, यहाँ कोई नहीं है साहब, यहाँ कोई नहीं है। रमेश मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, साफ साफ बता दो, वरना मुझे दूसरे तरीके से बकवाना भी आता है। जो गुनाह तुमने किया है उसके लिए तुम्हें फांसी की सजा हो सकती है, क्या तुम फांसी चढ़ना चाहते हो? नहीं 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 सर, नहीं। तो फिर सच सच बताओ, तुम्हारे बड़े भाई का खून किस तरह हुआ था, उसकी लाश कहाँ गई? बताता हूँ सर, मैं सब बताता हूँ सर। अंधेरे में आपको डर नहीं लगता सर? मुझे बहुत डर लगता है सर, मैं बत्ती लेके आता हूँ सर। भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। लाश वहां पड़ी, पहले पहले ना। खास साहब मेरे साथ आइए। निकलो, बाहर निकलो। अजय, मैं तो घबरा गई थी। क्यों? मैंने समझा कोई बदमाश मेरा पीछा कर रहा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, तुम रमेश के घर तक कैसे पहुंची? रमेश? कौन रमेश? मैं अपने घर जा रही थी। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वहां से निकलते हुए देखा, क्या कर रही थी वहां? मुझे कुछ काम था। इतनी रात के? क्या काम था वहां? तुम तो ऐसे पूछ रहे जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ।
मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो। अजय प्लीज मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। साफ साफ बताओ क्या कर रही थी वहाँ। मैं नहीं बताती। तुम नहीं जा सकती। क्यों? तुम हिरासत में हो। हिरासत में? किस जुर्म में? खून के जुर्म में। खून? किसका खून? ये मैं नहीं बता सकता। अपने वकील की तहरीरी इजाजत के बगैर मुझसे कुछ पूछने की कोशिश मत करना। अब तुमसे बात करने के लिए वकील से पूछना पड़ेगा। हर मुजरिम को ऐसा ही करना पड़ता है। चलो गाड़ी में बैठो। मिस्टर खान गाड़ी और रमेश की लाश पुलिस स्टेशन पहुंचाने का इंतजाम करो और चीफ को इतला कर देना। नेपोलियन बोलता है डिक्शनरी में इम्पॉसिबल कोई वर्ड नहीं। आप लीज को लॉकअप कर सकते हैं। वेल हम बेल पर छुड़ा सकते हैं। लिस्ट को बेल पर छोड़ दिया गया है। हाँ। लेकिन अभी तक मामला कुछ सुलझा भी नहीं। देखो अजय, हमारा असली मकसद लिस्ट के अंकल का पता लगाना है, इसीलिए लिस्ट को मैंने बेल पर छोड़ दिया। मेरे दिमाग में एक नया प्लान है। नया प्लान?
प्लीज तुम इतना स्वीट वॉइस में ट्रेजेडी गाना कहीं को गाता है, कहीं को याद करता है उसको? याद करने के सिवा और क्या कर सकते हो? किसी की नजर बदलती है, किसी की दुनिया बदल जाती है, समझ में नहीं आता सब क्या हो रहा है। Well, बहुत सा प्रॉब्लम ऐसा होता है दलदल का माफक, जितना समझने का ट्राई करेगा उतना दलदल में फंसता जाएगा। Well, forget it, भूल जाओ। लेकिन जो ये कैसे हो सकता है, अंकल मेरे सामने मरे और अजय किसी दूसरे की तस्वीर दिखाता है, मरने के बाद क्या अंकल की शक्ल बदल गई? Well, फोटोग्राफर का मिस्टेक हो ना सकता। चलो डिनर रेडी है, हम लेकर आया है, खाएंगा। चलो मुझे भूख नहीं लगती। भूख तो हमको भी नहीं लगता है, लेकिन हम खाना कभी नहीं छोड़ते। कम ऑन कम ऑन। काम मैं सर। ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई सर। क्या पता चला? मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है और लाश मिलने से कुछ देर पहले मर्डर हुआ था। कौन थी वो? मरने वाले का नाम माया था, ये उस रमेश की बीवी है जिसका मर्डर कुछ दिन पहले हुआ था। रमेश के बड़े भाई प्रकाश का भी अभी तक पता नहीं चल सका। सर मरने वाले की ब्लाउज में से चिट्ठी मिली है, पढ़ो इसे। प्रिय लिस, ये ठीक है कि हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं, फिर भी मैं अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए तुम्हें ये चिट्ठी लिख रही हूँ। तुम शायद नहीं जानती कि मेरे पति रमेश बहुत ही बुरे आदमी थे। शराब उनके लिए बाप भाई और उनकी औरत से बढ़ के थी। वो एक वक्त की शराब के लिए बड़े से बड़ा पाप कर सकते थे। उनके पाप की वजह से शायद अब मेरी जिंदगी भी खतरे में है। कोई औरत कभी अपने पति के पाप जाहिर नहीं करती, लेकिन अब ये बोझ मुझसे नहीं उठता। एक दिन उनके बड़े भाई प्रकाश उनको समझाने के लिए मेरे घर आए। प्रकाश भैया बहुत शरीफ आदमी थे। दोनों भाइयों में घरेलू हालात पर झगड़ा शुरू हुआ। ये झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही गया। शर्म नहीं आती, ना बाप को पूछता है ना औरत की खबर लेता है। माँ को जला जला कर मार डाला, अब मेरी जान देगा। दिन शराब, रात शराब, शराब के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। क्या देखूं, किसको देखूं? तुम लोग भूखे मरते हो, मर जाओ, मैं क्या करूं? मुझे पीने को नहीं मिलते, तुम लोग को खाना कहां से दो? शर्म कहीं का, तू किसी को खाने को क्या देगा? मेरी शराब गिरा दी तुमने, मेरी शराब गिरा दी। क्यों गिराई मेरी शराब? क्यों गिराई? क्यों गिराई मेरी शराब? क्यों गिराई? तुमने जा डॉक्टर को बुला के लाओ। मुझे डॉक्टर के पास तुमने भैया को मार डाला। मार डाला? हाँ, तुमने भैया को मार डाला। Thank you.
नहीं बिकने दूंगी। मैं पहले नहीं जानती थी कि लाश किसने खरीदी, लेकिन खत तो अधूरा है। इनकम्प्लीट। यस सर। लेकिन इस खत से प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि डेड बॉडी प्रकाश की थी। लेकिन लिस्ट की ट्रंक कॉल के मुताबिक तो डेथ लिस्ट के अंकल की हुई थी, तो लाश खरीदने वाला कौन हो सकता है? हो सकता है ये लाश लिस्ट के अंकल ने खरीदी हो। तो हमें लिस्ट के अंकल का पता लगाना चाहिए। यस सर। एक इन्फॉर्मेशन और है, हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इंश्योरेंस वालों ने रुपया लिस्ट को दे दिया है। ये बहुत अच्छा हुआ, जो कोई भी ये कर रहा है वो पैसे के लिए कर रहा है। अब जब लिस्ट को पैसा मिल गया तो वो लोग, और हाँ, मिस्टर जो अब तक लिस्ट के साथ ही है ना? जी हाँ। तुम एक टेम बॉलर, तुम्हारा सिटी में कोई गर्लफ्रेंड है? क्या नाम उसका? सूजी। ओह यस, सूजी। हम अभी जाएंगे, सूजी को लेकर आएंगे। कहीं को वो रात को तुम्हारा साथ रह नहीं सकते। मैं अकेली रह सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वेल, हमको मालूम जरूरत है। इधर का बिल्ली लोग कौन सा कबाट खोलेगा, क्या निकालेगा, वेरी डेंजरस। हम जाएंगे, सूजी को शाम तक लेकर ही जाएंगे। तुम केक को पकड़ के रखो। हाँ, हम फिर तुम सरगोदर। नहीं, मैं तुम्हारे पास खाली हाथ आया हूं, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं चाहता। हाथ फैलाने से हाथ नहीं भरता, तुम्हें अपने ही दरवाजे से भिखारी की तरह खाली हाथ जाना पड़ेगा। ज्यादा जिद ना करो, मैं समझाना भी जानता हूं और जिद को तोड़ना भी जानता हूं। वो कोई और होंगे जिनको तुमने कुचल दिया होगा, तुम मेरी जिद नहीं तोड़ सकोगे। मैं एक कमजोर औरत को जिद का मौका नहीं दूंगा। मैंने रात भी तुमसे पूछा था कि अजय को लेटर और बैंक के लिए चेक लिखती हो या नहीं। मैंने पहले तुमसे कह दिया था, ना मैं अजय को लेटर लिखूंगी ना चेक पर दस्तखत करूंगी, जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि अंकल का क्या हुआ। अंकल को भूल जाओ, तुम अपने लिए सोचो, अपने दोस्त के लिए सोचो। तुम्हारी मोहब्बत और जिंदगी कब्र के अंधेरे में खो जाएगी। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। दोस्त ने आंखें फेर ली, मोहब्बत बर्बाद हो गई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम मुजरिमों ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। तुम सब कुछ खरीद सकती हो, अपना दोस्त, अपना प्यार, अपनी खूबसूरत जिंदगी, सिर्फ 2.5 लाख के चेक के बदले में। तुम जैसे भिखारी से मैं कुछ नहीं खरीद सकती। अगर तुम नहीं खरीद सकती हो तो फिर तुम्हारे अजय को इज्जत, नौकरी और अपना करियर सब कुछ बेचना पड़ेगा, जिसकी कीमत लग चुकी है। कीमत लग चुकी है, और वो कीमत तुम्हारे ये गंदे और खूनी हाथ अदा करेंगे। नहीं, शायद तुम्हें इसकी खबर नहीं कि जमाना उसके लिए क्या फैसला कर रहा है। पुलिस ऑफिसर अजय की कार्रवाइयों पर शुभ, पहले लाश गायब और फिर लड़की गायब। नहीं, ये सब झूठ है।
तुम किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकते। मैं पुलिस में कह देती हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अगर तुम जाने की कोशिश करोगी तो जिंदा नहीं जाओगी, तुम्हारी लाश जाएगी। मुझे एक बार उससे मिलने दो, मैं वादा करती हूँ इंश्योरेंस का सारा रुपया मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। मैं जीने की उम्मीद पर मौत का खतरा मोल नहीं ले सकता। अगर इतबार नहीं तो मेरे साथ चलो, चेक कैश करवा के मैं तुम्हें पैसा वहीं दे दूंगी। गया हुआ वक्त वापस नहीं आता, वो टाइम गुजर गया जब मेरा आदमी पुरनोट लेकर तुम्हारे पास गया था। तुम चाहती तो उसी वक्त कैश दे सकती थी। मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, मुझे जाने दो। नहीं, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं दूंगा। कैश मैं तुमसे नहीं अजय से लूंगा। तुम सिर्फ चेक पर दस्तखत करोगी। दस्तखत? हाँ दस्तखत। ये रही तुम्हारी चेकबुक, और अजय के नाम एक चिट्ठी लिखो कि जहां कहा जाए कैश पहुंचा दे। तुम्हारी और अजय की जिंदगी से मौत का साया सिर्फ इसी तरह हट सकता है। अजय, अब तक तो हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। वो लोग लीज को ले गए, उससे पैसे मांगेंगे। मुझे यकीन है कि उसके बाद उनका हाथ तुम्हारी तरफ जरूर बढ़ेगा। कोई ना कोई फैसला तो होना ही चाहिए। इसी फैसले के लिए तो मैं तुम्हें खतरे में डाल रहा हूं। लो, आखिरी खाना खा लो। आखिरी खाना? तो क्या उसके बाद रवाना? मालूम नहीं। क्या बात करता है अंकल, तुमको कब्र में जिंदा दफन होना मालूम, कब्र से निकल के भागना मालूम, और खाने के बाद का प्रोग्राम नहीं मालूम। कब्र में दफन होगा, तुम खाना खाओ। मगर अंकल, हाथ तो बंधा हुआ है, खाना कैसे खाएगा? हाथ बंधा है तो मुंह से खाओ। अरे, हम कोई जानवर है जो मुंह से खाएगा? खाना है तो खा लो। प्लीज अंकल, निकलो, हाथ खोल दो। हाथ नहीं खुलेगा। तमिलनाडु ने तेरा खोपड़ी खोल देगा। क्या बोला? हमने बोला कि खाना प्योर ही का है ना, का कुछ चालू भी हमको बिल्कुल चलता नहीं है। और हाँ, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे इत्तला कर देना। ओके सर। मेरे सामने तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। थोड़ी सी दौलत के लिए मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती। चेक भेज रही हूँ, कैश करा लो। कहाँ पहुँचाना है इसकी इत्तला तुम्हें मिल जाएगी। हेलो, अजय स्पीकिंग। तुम्हें इसकी चिट्ठी मिल गई? हाँ मिल गई। आज शाम को 4 बजे कैश लेकर आना। उत्तर जाने वाले हाईवे पर बिल्कुल सीधे 15 मील के बाद पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप? हाँ, वहाँ तुमको पूरी इतना मिल जाएगी। 10-10 के नोट लाना, और याद रखो पुलिस के जरिए हमें घेरने की कोशिश मत करना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम भी मारे जाओगे और लिस भी। हेलो हेलो, आपने मुझे बुलाया क्यों? मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है कि मैंने एक प्लान बनाया है। अगर आप राजी हो तो सारा रुपया हम आपस में बांट लेंगे, किसी और को देने की जरूरत ही नहीं। प्लान क्या है? प्लान तो ठीक है। अच्छा, मैं आपको वहीं मिलूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। सुनिए, कोई गड़बड़ तो? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यस यस, यू डोंट वरी सर। राइट 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 सर।
टैंक फुल कर दो। अच्छा साहब। साहब आपके लिए एक चिट्ठी है। किसने दिया तुम्हें ये चिट्ठी? मैं नहीं जानता साहब, उन्होंने आपकी कार का नंबर बताया है और कहा है साहब को दे देना और बहुत अर्जेंट है। मिस्टर अजय तक मैसेज। अजय पेट्रोल पंप से एक चिट्ठी मिल गई है, उसमें लिखा है रेवड़ा से 12 मील दूर एक बड़े पत्थर के पास दूसरी चिट्ठी मिलेगी। मेरा ख्याल है मैं 15-20 मिनट वहां पहुंच जाऊंगा। अभी तक तो कोई गाड़ी पीछे दिखाई नहीं दे रही, मेरे ख्याल में अब कोई खतरा नहीं, फिर भी मैं वहां पहुंचकर इत्तला करूंगा। ओवर। मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था कि पुलिस का चक्कर चलाने की कोशिश मत करना। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझते हो। खबरदार कोई हरकत नहीं करनी। गाड़ी रोको। स्टॉप इट। डोंट मूव। गाड़ी पीछे दो। लेफ्ट को मोड़ो। क्विक। रोको गाड़ी। पुलिस से कहो कि तुम्हारी जान खतरे में है और वो तुम्हें 2 घंटे तक तलाश ना करें, वरना तुम्हारी और लिस की जान जाएगी। चालू करो ट्रांसमिशन और जो कुछ मैंने कहा वो ही कहना, समझे? दो घंटे के लिए मुझे तलाश करने की कोशिश मत करो, मेरी और लिस की जिंदगी खतरे में है। मैं आपको रेवड़ा के चारों तरफ पुलिस चौकियों को खबर कर दो कि कार नंबर GDA 3264 खतरे में है, तलाश करें। यस मिस्टर खान। चलो उतरो, क्विक क्विक। ऐसे ओके, मैं इनको साथ लेकर चलता हूं, आप गाड़ी लेकर आइए। जूते की नाल और चाकू का कमाल। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? Thank you.
इतना खतरनाक जुर्म करके तुम पुलिस के हाथों बच नहीं सकोगे। पुलिस, तुम्हारी जली हुई गाड़ी देखकर वो समझेंगे तुमने खुदकुशी कर ली, और जब तक वो तुम्हारी लाश तलाश करेंगे हम अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली?
जाने दो लिस। अजय सुनो, गोंसाल्वेस? नहीं, मैं फादर गोंसाल्वेस नहीं। तुमने उन्हें देखा नहीं, वो भी मुझे नहीं जानते, इसीलिए फादर का लिबास पहनकर फायदा उठाया। लेकिन इस सब तुमने क्यों किया अंकल, क्यों किया? मुझ पर इतना कर्ज हो गया था जिसे मैं अदा नहीं कर सकता था, और मैं तुम्हारी जायदाद को बर्बाद भी नहीं कर सकता था। लेकिन तुम मेरे आंखों के सामने मरे थे अंकल। नहीं, हमारा टेलीग्राम मिलने के बाद जब तुम आई, उस वक्त डॉक्टर इंजेक्शन की तैयारी कर रहा था। वो इंजेक्शन दिल की धड़कन ठीक करने के लिए नहीं था, बल्कि थोड़ी देर के लिए बेहोश करने के लिए था। मैं बेहोश हो गया, तुमने समझा अंकल मर गया, तुम बदहवास हो गए, डॉक्टर ने तुम्हें बेहोशी की दवा दे दी। इतनी देर में मेरा दिल काम करने लगा, मैंने अपनी जगह प्रकाश की लाश रख दी, अपने आप को छुपाने के लिए फादर गोंसाल्वेस का खून करना पड़ा। लेकिन आज मरते वक्त मुझे ये पता चला कि गलत चालों से इंसान जिंदगी की बाजी कभी नहीं जीत सकता। न रो बेटी, न रो। अजय, ले गुनाह मेरे साथ खत्म हो रहे हैं, लेकिन लिस की जिंदगी को इसके साए से भी दूर रखना। मिस्टर फर्नांडेज, वहां ऊपर एक मकान है, उसकी तलाश लीजिए। ठीक है सर, चलो। मिस्टर अजय, अरे इसको तो बहुत सख्त चोट लगी। अजय, तुम फौरन इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं सब यहाँ देखता हूँ। सर, एक लाश इधर पड़ी हुई है और पाओ का बैग इधर नीचे रह गया। बैग इधर है और बैग का लेके जाने वाला भी बाप का माल समझ के लेके जा रहा था। क्यों मैं? थैंक यू मिस्टर जो। सर, अजय तुमने इस केस को बड़ी बहादुरी और खूबसूरती से हैंडल किया, मैं खास तौर से तुम्हारी तरक्की के लिए रिकमेंड करूंगा। थैंक यू सर। सर, लिस के अंकल, वो मैं देख लूंगा, तुम लोग जाओ। जा, हो जाने जाना, हाँ मेरे गले